बताने वाला हूँ कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया है प्ले स्टोर की तरफ से। तो दोस्तों उसके बारे में बताऊंगा क्यों बैन करा गया है और क्या रीज़न है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टैक्स में। टिकटॉक को बैन कर दिया गया है ऐप स्टोर पर, तो शायद पक्का नहीं कि वहाँ से इंस्टॉल हटा दिया गया है, पर गूगल प्ले से तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। यहाँ से तो बिल्कुल ही हटा दिया गया है टिकटॉक को, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ से टिकटॉक को गूगल प्ले स्टोर से तो हटा दिया गया है टिकटॉक को। जो उनके पास डाउनलोड है वो ज़रूर इसको यूज़ कर पाएंगे, और नए यूज़र इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। तो दोस्तों ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ से टिकटॉक की तरफ से बैन कर दिया। इसका रीज़न ये था कि 2-3 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने इसको बैन करने को नोटिस करा था कि इसके अंदर पोर्नोग्राफी एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए, माइनर्स 18 से जो कम ब्लू है उनके लिए सही नहीं है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट पर अर्जी भी लगी थी, जिसका फैसला अब अभी 22 अप्रैल को आना है, अभी वो आया नहीं है। उससे पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको बैन कर दिया है, उनको नोटिस जारी करा है प्ले स्टोर को एंड एप्पल स्टोर को कि इसको हटा दिया जाए इस ऐप को। अभी गूगल प्ले ने तो इस ऐप को हटा दिया गया, अभी फाइनल नहीं है कि क्या होगा, ये परमानेंट बैन होगा या नहीं होगा, ये अभी कुछ नहीं है। फिलहाल ये प्ले स्टोर से हटा दिया गया है टिकटॉक को, और जो यूज़र पहले जिनके पास ये डाउनलोड है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल यूज़ करते थे वो यूज़ कर पाएंगे, पर ये नए यूज़र अभी इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये टिकटॉक की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन थी जो जिसको मैं आपको बताना चाहता था। उससे पहले अगर दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और आपको ये बेकार लगी है तो प्लीज़ डिसलाइक भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।